विश्वकर्मा जयंती और अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना लॉन्च की और इस योजना से 18 व्यवसायों से जुड़े हुए लोगों को फायदा होगा। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा। हालांकि इस पर मध्य प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर देश को एक बड़ी सौगात दी, जिसका सीधा लाभ जरूरतमंद और गरीब वर्ग के लोगों को मिलेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को लॉन्च किया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के सीएम भी वर्चुअली शामिल हुए। शिवराज ने इस योजना की तारीफ में कहा कि इससे देश को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने पीएम की भी जमकर तारीफ की। मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, उन्होंने विश्वकर्मा जयंती पर, और ये सुखद संयोग है कि उनके जन्मदिन पर लॉन्च की है। हमारे देश के, हमारे प्रदेश के परंपरागत कारीगर आज भी हमारी जिंदगी के अहम हिस्सा है, उनके बिना हमारा काम चल। वैसे इस योजना का ऐलान पीएम ने 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किला से किया था, जिसे विश्वकर्मा जयंती पर साकार रूप दे दिया गया। इसी दिन पीएम का जन्मदिन भी रहता है। अभी इस योजना में 18 अलग अलग तरह का काम करने वाले विश्वकर्मा साथियों पर फोकस किया गया है, और शायद ही कोई गांव ऐसा होगा कि जहां इस 18 प्रकार के काम करने वाले लोग न हो। इनमें लकड़ी का काम करने वाले कारपेंटर, लकड़ी के खिलौने बनाने वाले कारीगर, लोहे का काम करने वाले लोहार, अलग अलग के तरह तरह के काम करने वाले साथियों को शामिल किया गया है। वैसे पीएम की इस योजना से कांग्रेस बहुत खुश नहीं है, उसने तो इसमें जाति का एंगल ढूंढ लिया है। देखिए, ये जो है, जो MSME की योजनाएं थी, उनके अंतर्गत ऐसे कुशल श्रमिकों को पहले से ही जो है ये योजना दी जाती थी, लेकिन सरकार ने योजनाओं को जातियों से जोड़कर पहली बार इस देश के संविधान के में की जो भावना है कि सारा देश सब लोगों के लिए एक है, उस भावना को अंगूठा दिखाने की कोशिश की है। इस विश्वकर्मा योजना पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं, जिसका सीधा फायदा इससे जुड़ने वाले लाभार्थियों को मिलता हुआ नजर आएगा। विश्वकर्मा योजना में पहली बार में 18 पारंपरिक व्यापारों को शामिल किया गया है। वहीं इस योजना के तहत जुड़ने वाले लोगों की भी दो तरह की स्किल ट्रेनिंग होगी। इसमें पहली बेसिक और दूसरी एडवांस ट्रेनिंग शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS247 भोपाल।